राहुल वैद्या ने, आप सभी को याद होगा कि बिग बॉस 14 में थे राहुल वैद्या, सेकेंड रनर अप थे, रूबीना दिलैक जीती थी, राहुल नहीं जीत पाए थे। लोगों को बहुत पसंद आए थे राहुल कृष्ण कुमार वैद्या, ऐसा कुछ नाम है ना राहुल का, राहुल कृष्ण वैद्या। तो उन्होंने एक खुलासा किया है, चलिए बताते हैं आपको कि क्या खुलासा किया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जहाँ पे उन्होंने लिखा है, ब्लॉग बनाना सबके बस की बात नहीं है, देयर आर अ कपल ऑफ कंपनीज जो हर बार बिग बॉस सीजन के बाद कंटेस्टेंट को अप्रोच करते हैं एंड दे से आप ब्लॉग बनाना शुरू करो, एंड बोलते हैं कि इतना रिवेन्यू आएगा बट इट्स अ स्कैम, एंटरटेनिंग ब्लॉग बनाते रहना सबके बस की बात नहीं है, सो स्टॉप मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, जनहित में जारी, सेलिब्रिटीज़ हित में जारी। तो राहुल वैद्या ने ये ट्वीट किया है कि भाई आप लोग जो कंपनीज हैं, कुछ भाई होंगी मुंबई में कुछ ऐसी कंपनीज जो अप्रोच करती होंगी जो बिग बॉस से निकलते हैं कंटेस्टेंट उनको कि आप ब्लॉग बनाओ, आपको ये रिवेन्यू आएगा, आपको वो रिवेन्यू आएगा, लेकिन एंटरटेनिंग ब्लॉग बनाते रहना इट्स नॉट पॉसिबल, राहुल का ऐसा कहना है। तो हो सकता है कि राहुल ना हो अपनी रियल लाइफ, बहुत से लोग होते हैं जो हर वक्त नहीं हंस सकते, हर वक्त नहीं लोगों को हंसा सकते, तो इसलिए राहुल का ये ट्वीट आया है कि भाई एंटरटेनिंग ब्लॉग बनाना सबके बस की बात नहीं है, जो लोग करते हैं उनको हैट्स ऑफ है, और वाकई में जो लोग एंटरटेनिंग ब्लॉग रोज़ अपलोड करते हैं, कुछ लोग तो नेचुरली एंटरटेनिंग होते हैं और कुछ लोग को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं एंटरटेनिंग ब्लॉग बनाने के लिए, तो जो नेचुरली एंटरटेनिंग है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको एफर्ट्स डालने पड़ते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी अगर आपको डेली ब्लॉग अपलोड करना पड़े और आप एंटरटेनिंग नहीं हो और आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप एंटरटेनिंग हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो राहुल का यही कहना है कि भाई अगर तुम लोग ब्लॉग कर रहे हो तो मेरे बस की बात नहीं है, और इस तरीके के कुछ स्टेटमेंट आए हैं, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो रोज़ इतने यूट्यूब चैनल खुल रहे हैं सारे सारे सेलिब्रिटीज़ के, वो लोग ब्लॉग अपलोड कर रहे हैं, तो इसमें कुछ लोग तो खुद से कर रहे हैं और कुछ लोग कंपनीज़ के थ्रू कर रहे हैं कि उनको कोई कंपनी अप्रोच कर रही है कि आप सर ब्लॉग करो और इतना रिवेन्यू आएगा, उतना रिवेन्यू आएगा, और ऐसा हो नहीं पाता है, वो लोग कुछ दिन तो एंटरटेनिंग रह जाते हैं लेकिन उसके बाद उनका एंटरटेनमेंट फैक्टर ख़त्म होने लगता है, फैक्टर क्या ख़त्म होने लगता है, वो प्रिटेंड नहीं कर पाते हैं, और इस चक्कर में फिर ब्लॉग पे रिवेन्यू आना कम हो जाता है, व्यूज़ आना कम हो जाता है, और जब व्यूज़ नहीं आएगा तो रिवेन्यू कहाँ से आएगा। तो इस तरीके का कुछ खुलासा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राहुल वैद्या ने किया है, और ये बड़ी सोचने और समझने वाली बात है कि भाई एंटरटेनिंग होना एक अलग चीज़ है और आपको एंटरटेनिंग बनना एक अलग चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने कहा ये बात आपके साथ मैं शेयर करूँ, आप बताना कि आपकी इस पे क्या राय है, आप क्या राहुल की राय से अग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।